नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। पांच चरणों का मतदान हो चुका, छठे और सातवें चरण का मतदान अभी बाकी है, जहां पूर्वांचल में लगातार सभी राजनीतिक दल लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। सबकी नज़र पूर्वांचल पे है और हम बात करें, हमारे साथ हैं आज खास बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिनाथ यादव, क्योंकि अभी 27 तारीख को प्रतापगढ़ में मतदान हुआ है। कुंडा में गुलशन यादव के साथ जिस तरह से उनके गाड़ी पे पथरा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, जिस दिन मतदान हो रहा था, उन तमाम मुद्दों पे, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ भी पथरा हुआ, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनाथ जी हैं। सबसे पहले सवाल आपसे यही कि कुंडा में 27 तारीख को मतदान था और गुलशन यादव के साथ जिस तरह से पथरा हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद और आभार। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से आज एक राजनेता पे पथराव ही नहीं, उनके साथ चलने वाले लोगों को हाथ भी टूटे हैं, पैर भी टूटे हुए हैं। कुंडा की बात करें तो जिस तरीके से 27 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव जी के ऊपर पथराव हुए और उनके लोगों पर हमले हुए, ये लोकतंत्र की हत्या है। और भाजपा पूरी तरीके से जान चुकी है कि सरकार से हम लोग बहुत दूरियां हो गई है और सरकार बनने नहीं जा रही भाजपा की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 300 को जो पार का नारा था, 300 पार सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अच्छा, कुंडा में कुछ बूथ कैप्चरिंग का भी मामला आया, आप लोग चुनाव आयोग से शिकायत भी किए, पुनर्मतदान की मांग भी कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है चुनाव आयोग से? अभी तक हमने चुनाव आयोग को भी लिखित दिया है, DM को भी लिखित दिया है, उन्होंने कहा है कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, एक दो दिन में आपको बता दिया जाएंगे। अगर वो बता देते हैं, अगर पुनः उस पर जो है मतदान हो जाते हैं, हम लोग आज भी इतने वोटों से जो है कुंडा में जो है क्या नाम से जीत रहे हैं, और जब वो बूथें जो 10-15 बूथ उन्होंने डिस्टर्ब किए हैं, अगर वो बूथें जो है क्या नाम से फिर से पुनः मतदान हो जाता है तो बहुत वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। राजा भैया लगातार कहते थे कि 10 मार्च के बाद हमने बहुत बर्दाश्त किया, हम समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, ना बनने देंगे, लगातार इस तरह से एक हफ्ते वोटिंग से 3-4 दिन पहले उनका ऐसा स्टेटमेंट आता था, क्या कहेंगे? एक राजनेता की ये भाषा नहीं हो सकती है, ये सिर्फ गुंडों की भाषा हो सकती है, माफियाओं की भाषा हो सकती है। राजनेता कभी 10 तारीख और 11 तारीख के इंतजार नहीं करते, वो जन समर्थन पे विश्वास रखते हैं, जनमानस पे विश्वास रखते हैं, और मुझे अपने जनपद की सभी 6 सीटों पे और कुंडा बाबागंज की उन सीटों पे जो बहुत दिनों से वो कब्जा किए बैठे हुए हैं, उस जनमानस और जनता पे हमें विश्वास है। जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो बहुत ही उल्टा आएगा और वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। चुनाव से पहले काफ़ी लंबे समय से जेल में भी थे, आपके साथ क्या साजिश थी, आप कैसे जेल गए थे, चुनाव के नज़दीक आप जमानत मिली, आप बाहर? साजिश तो इतनी हुई कि जो हाई कोर्ट से मेरी बेल हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट से जाके खारिज करा दी गई, मगर मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास था, न्यायालय पे मुझे विश्वास था, न्यायालय मुझे जमानत दी है, न्यायालय मेरे साथ न्याय करेगी। दोबारा मुझ पर जो है क्या नाम से जेल जाना पड़ा, उस पर भी मैं जब बेल कराया तो मुझ पर एक फिर फर्जी मुकदमे लिखाया गया, उस मुकदमे में जब मुझे हाई बेल मिली तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए जो है क्या नाम से, उस पर भी हम लोगों को जो है क्या न्याय मिला जो है क्या नाम से। जिस तरीके से बेल होने के बाद मुझे 10 दिन तक जो है जेल में रोका गया, मुझे निकलने नहीं दिया गया, मेरे जमानतदारों को पुलिस प्रशासन के माध्यम से, उनके गुंडों के माध्यम से उठा लिया गया, मगर मुझे पूर्णतः न्यायालय पे विश्वास था और न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया। मैं जेल से बाहर आया और जब मैं बाहर आया उसी दिन से कुंडा बाबागंज ने अपने पूरे जनपद की सीटों पे हमने मेहनत करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि प्रतापगढ़ की 6 सीट में समाजवादी पार्टी जाने जा रही है। क्या चुनाव आप जब तक अंदर चुनाव प्रभावित हुआ? जिस तरीके से एक परिवार के बच्चे को अपने परिवार से न मिलने दिया जाए, उसी तरीके मुझे जेल में रख के मुझे अपने परिवार के बीच नहीं आने दिया जा रहा था, कहीं कहीं इस बात को मुझे बड़ी छटपटाहट थी। और जब मैं आया तो मुझे अपने परिवार के बीच में जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिला, मैं अपने जनपद के तमाम नौजवान साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस संघर्ष के समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले और
इस भाई पे विश्वास दिला के कुंडा को आज़ाद कराने का काम किया। छविनाथ यादव जी अब पूर्वांचल में आ चुके हैं, आज जौनपुर के आप मल्हनी विधानसभा में थे और कहा जाए करहल और कुंडा बाबागंज के बाद सबसे हॉट सीट मल्हनी मानी जा रही है। आज दिन भर आप मल्हनी में कंपेनिंग भी किया, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, कैसा क्या रहा? जब यहाँ 7 तारीख वोटिंग होगी तो पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया भाग जाएंगे। इस विधानसभा में जो लोग चुनाव लड़ने आए हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, 25,000 की इनामी है। इस सरकार ने उनको इतनी जो है फैसिलिटी दे दी रखी है कि यहाँ के कप्तान उनके लिए दरी बिछा रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कहीं में कहीं जो है सरकार के ये लोग गुंडे हैं, सरकार के इशारों पे ये लोग चल रहे हैं। और ये भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, गरीबों का घर गिरवाने के लिए इनके पास बुलडोजर है। ऐसे माफियाओं के घर पर आज तक पुलिस नहीं जा रही है। योगी जी कहते हैं कि 10 बुलडोजर रिपेयर होने गया, 10 तारीख के बाद से फिर बुलडोजर चलेगा, ऐसे में क्या कहते हैं योगी जी? अब वो जाएंगे मठ और वहीं चाहे बुलडोजर चलाएं चाहे घंटा बजाएं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विकास पुरुष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब 10 तारीख को जो है परिणाम आएगा, निश्चित समाजवादी पार्टी की 300 पार की सीटें निकलेगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरे प्रदेश में अमन चैन का राज होगा और विकास का राज होगा। योगी जी एक लगातार स्टेटमेंट देते हैं, गर्मी की बात करते हैं, गर्मी निकाल देंगे हम, मई जून के महीने में उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे, तो इस पर क्या रिएक्शन? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने चेतावनी दिया है, आदरणीय राष्ट्रीय उन्होंने कहा है गर्मी निकालने की, जो उन्होंने बात कहा है, मेरे नेता ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे जो, और जो उन्होंने गर्मी निकालने की बात कही है, अगर किसी के शरीर से खून निकल जाएगा तो कितनी देर जिंदा रह पाएगा? इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, बाबा जी की गर्मी निकालने की तैयारी बना चुके हैं, उनको मठ में भेजने का काम किया जाएगा। छविनाथ यादव जी समाजवादी पार्टी के सबसे यंग जिला अध्यक्षों में आते हैं और अब पूर्वांचल में चल रहे हैं, आज जौनपुर में थे, अभी और कई जिलों में आप जाएंगे, तो पूर्वांचल छठे और सातवें चरण का मतदान अभी बाकी है, क्या लगता है? इस जनपद में सबसे ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे और इस जनपद के लोगों पे जो है क्या, लोगों का जो समाजवादी पार्टी पे विश्वास है, जो उनके विकास पे विश्वास है, निश्चित जिस विधानसभा में हम मल्हनी में आए हैं ये भी सीट हम लोग जो है क्या आराम से जीतने जा रहे हैं। और यहाँ जो 9 सीटें हैं जो है, हम लोग 9 सीटें जीत के जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके जिले, इस जिले में 4 कार्यक्रम है और आदरणीय नेताजी 4 तारीख को आ रहे हैं। इस नेताजी के आने के बाद पूरे पूर्वांचल में जो है भाजपा साफ हो जाएगी। एक लास्ट सवाल आपसे, कितनी सीटें आ रही है समाजवादी? उधर बीजेपी 300 प्लस का दावा कर रही है, आप लोग 350 पार का दावा कर रहे हैं, तो कितनी सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी? 300 पार है। आज की जो घटना स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हुई है, इस बौखलाहट से आप लोगों को जो है क्या नाम से जानकारी होनी चाहिए कि पूरी तरीके से भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के गुंडे, भाजपा की माफिया बौखला गए हैं, इनको कहीं जन समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसी तुच्छ मानसिकता की हरकत है। इस लोकतंत्र में जिस तरह से प्रत्याशियों के साथ इस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उधर गुलशन यादव जी के साथ हुई, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हुई, तमाम ऐसे और कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है, क्या ये लोकतंत्र में न्यायिक? ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाज में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी। जब 10 तारीख को जो है क्या नाम से गिनती होगी, उसी का परिणाम होगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 300 पार सीटें पाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमारे साथ थे प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी।